राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान हुआ था और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के बीच आए थे, जिसमें कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी और बीजेपी को बहुमत के साथ जीत मिली थी। कांग्रेस अब हार के कारणों को लेकर मंथन कर रही है। दिल्ली AICC कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के सभी दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने चर्चा की। तो क्या कुछ रहा खास बैठक में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, राज कायम रहेगा, लेकिन राज बदल गया, रिवाज नहीं बदला। हार को लेकर दिल्ली में AICC मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट सहित राजस्थान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को हार का बड़ा कारण बताया। गहलोत ने कहा कि हम चाहते थे चुनाव लोकल मुद्दों पर हो। बीजेपी के नेता हमारे 5 साल के कार्यकाल पर बात करते, उसकी कमियां बताते, लेकिन चुनाव को धर्म के नाम पर ले गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी ने भी हमारे कामकाज की चर्चा नहीं की, इसका मुझे दुख है। कन्हैया लाल मामले में रोज नए झूठ गढ़े गए, मीडिया के जरिए इसे पूरे राजस्थान में फैलाया गया। बीजेपी के पास कोई इशू नहीं था, चुनाव का ध्रुवीकरण कर दिया। चुनाव के दौरान इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, केवल भड़काने का काम कर रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, ईडी, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे थे। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर में घुस गए, वैभव गहलोत को नोटिस देकर ईडी ने बुलाया। ये कांग्रेस को चुनाव में डिस्टर्ब करते रहे, पूरे देश के अंदर बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, जनता आज नहीं तो कल जवाब देगी। मीटिंग के बाद जब गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये मीटिंग में चर्चा का विषय नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है, हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार फैसला करेगा, जब घोषणा करनी होगी कर देंगे। इसके साथ ही गहलोत ने ये भी साफ कर दिया कि अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करेगी। DB Live की रिपोर्ट।